नमस्कार दोस्तों। और आज आप देख रहे होंगे जैसे कि ये एक इमली है और जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। और आज मैं इसी की मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ और जिसको हम बना के रख भी सकते हैं और किसी भी समय दही बड़े या किसी के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के आसपास इमली लिए। इस टाइप की इमली है, आप देख सकते हैं इसमें बीजे नहीं है, सिर्फ इमली का पल्प है। और मैंने इस टाइप की इमली को 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। भिगो कर रखने के बाद जब इमली अच्छे से फूल गई तो मैंने उसको इस टाइप की छन्नी से छान लिया। और जिससे कि ये देखिए कि पानी मेरा इमली का जो अर्क है ये निकल आया मेरा, बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकला है, स्मूथ है बिल्कुल। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और अब मैं इसमें मैं 100 ग्राम इमली ली है तो मैं 100 ग्राम ही यहाँ पर गुड़ लूंगी। ये देखिए गुड़ है और इसको भी मैं अच्छे से इसमें डाल दूंगी पकने के लिए, क्योंकि मीठी चटनी है, खट्टी मीठी दोनों का टेस्ट आएगा और ये गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा। और 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम इमली और इसके टेस्ट को और अच्छा बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 25 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे शुगर ली है। धीरे धीरे पकने देंगे, जैसे एक उबाल आएगा जो फर्स्ट कहते हैं ये उबलने लग जाएगी, उसके बाद गैस को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और 20-25 मिनट तक पकाएंगे, जिससे ये गाढ़ी भी हो जाएगी और गुड़ और चीनी का जो अपना मॉइस्चर है, पानी है, वो भी अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है, एक पीस तो बिल्कुल हो गया है और एक और दूसरा भी थोड़ा थोड़ा हो गया है और चीनी बिल्कुल हमारी इसमें अच्छे से घुल गई है। और अब मैं इस स्टेज पर डालूँगी इसमें 1 चम्मच काला नमक, ब्लैक सॉल्ट डालूँगी। और इसी स्टेज पे मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी भी होगी ना तो और अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इसमें मैं लाल मिर्च भी डालूँगी और अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी और गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँगी और हम इसे 25 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारी ये जो है बिल्कुल 25 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरीके से ये थिकनेस आ गई है इसमें। और अब हम मैं इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी, मैंने यहाँ पर अदरक के लच्छे कर लिए हैं छोटे छोटे, इसको मैं इसमें डाल दूंगी, इसका इससे इसका टेस्ट जो है वो और डेवलप हो जाएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं। और मैं डालूँगी ये खरबूजे के बीजे हैं जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसको भी मैं डालूँगी। और कुछ मैंने चिरौंजी ली है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और अब हम इसको चलाएँगे और 2 मिनट बस मैं इसको पकाऊँगी। इस चटनी को आप इसी कंसिस्टेंसी पे रखिएगा, क्योंकि हमें इसको रखना है फ्रिज में तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है और मैं इसको इस बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये हमने अपनी चटनी जो है इमली की मीठी चटनी बाउल्स में निकाल ली है और देखिए बहुत परफेक्ट मीठा है इसका। जितनी हमें इमली लेनी है उतना ही हमें गुड़ लेना है और 25 ग्राम के आसपास उसी रेशियो में आपको चीनी मिलानी है, इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। और अदरक आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आप डालेंगे इस रेसिपी में जैसे मैंने बनाई है तो अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी आपको। और ये बनके तैयार है हमारी चटनी। अब मैं इसको मुझे इसको स्टोर करना है तो इसके लिए जो है मैंने ये जार लिया है, इस जार को मैंने धो के धूप में अच्छे से सुखा लिया है और अब मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी और जब भी इसको मन चाहेगा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक ये चटनी चल जाती है, 1.5-2 महीने आराम से हम इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।